नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके यूटी सेवन के माध्यम से मैं आपके सहयोगी आंचल, और आज हम पहुंचे हैं वार्ड नंबर 2 तहसील बनी ब्लॉक डुगन, और यहां मिडिल स्कूल के पास हैं हम। यहां 2 दिन पहले जो घटना घटी उस मौके के ऊपर हम मौजूद हैं, और हम आपको यहां तस्वीरों में बताना चाहेंगे। ये मिडिल स्कूल है, ये नई बिल्डिंग मिडिल स्कूल की बनी हुई है जो अभी अनकम्प्लीट है, और मैं कैमरा पर्सन से कहूंगा कि ये आप सारी तस्वीरें जो है इनको बताइए। ये सामने तक जो है ये नई बिल्डिंग का जो निर्माण यहाँ हुआ है, और इसके आगे जो है ना कोई ब्रेस्टबॉल, पीछे जो ने ब्रेस्टबॉल दी थी एक, आगे भी जो बड़ी जरूरी ब्रेस्टबॉल थी यहाँ पर वो भी नहीं है। और यहाँ 2 दिन पहले एक हादसा हुआ था जिसमें जो ज़मीन थी वो फंस गई थी, और ये आप देख सकते हैं यहाँ भी ये ज़मीन जो है ये फंस रही है। ये भी जो पूरा पहाड़ है ये भी चल रहा है, और स्कूल के बिल्कुल ये सामने की जगह यहाँ बिल्कुल खतरा बना हुआ है स्कूल को। ये मिडिल स्कूल भुंडरी, और यहाँ पर इस समय हम मौजूद हैं और आपको लाइव तस्वीरें बता रहे हैं कि बारिश ने किस तरह से नुकसान किया है, घरों का नुकसान किया है, सरकारी इमारतों का नुकसान किया है, रोड का नुकसान किया है, बिजली पानी हर चीज़ यहाँ जो है वो यहाँ से कंडक्टर जो है वो टूट चुका है। हम कैमरा पर्सन से कहेंगे कि हम वहाँ मौके पे चले। यहाँ पर 2 दिन पहले यहाँ हादसा हुआ था, और एक यहाँ हमारा पर्सन जिसका नाम श्यामलाल था वो मलबे में फंसने के कारण उनकी मौत हो गई थी, और वो जगह यही पास में ही है, हम वहाँ भी आपको लेके चलेंगे। लेकिन पहले ये एक नई बिल्डिंग का हम आपको बता रहे हैं कि ये बिल्डिंग जो अभी बनी है, और यहाँ पर भी कोई सिक्योरिटी जो है वो यहाँ नहीं है, ये भी स्लाइडिंग की चपेट में कभी भी आ सकती है। तो हम एडमिनिस्ट्रेशन से और एजुकेशन डिपार्टमेंट से ये अपील करेंगे कि इस पर नज़र डाली जाए, ताकि जो ये नई बिल्डिंग जो है बच्चों के लिए जो नई इमारत यहाँ बनी है इसको सुरक्षित रखा जा सके। चलिए हम चलते हैं नए स्पॉट पे, यहाँ वो स्लाइडिंग हुई है 2 दिन पहले। थोड़ा और आपको बताऊँगा, ये पुरानी इमारतें यहाँ बनी हुई हैं, जो स्कूल की पुरानी इमारतें हैं, कुछ दिन पहले यहाँ बच्चे जो थे वो यहाँ एजुकेशन लिया करते थे, मतलब यहाँ बच्चों को तालीम दी जाती थी। लेकिन जिस तरह से यहाँ स्लाइडिंग हुई, जिस तरह से यहाँ नुकसान हुआ है, उसके बाद यहाँ से बच्चों को शिफ्ट करके जो पुरानी बिल्डिंग है यहाँ की, जो पुरानी बिल्डिंग है यहाँ स्कूल की, वहाँ सभी बच्चों को शिफ्ट किया गया है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा भयंकर स्थिति जो है यहाँ पर बनी हुई है, और काफ़ी खतरा जो है, क्योंकि अगर 1-2 बारिश और निकलती है तो यहाँ जो है वो, और ये जो इमारतें हैं, ये जो सरकारी बिल्डिंगें हैं, इनको नुकसान पहुँच सकता है। तो हम अभी स्पॉट पर हम आपको ले कर जा रहे हैं। यहाँ ये वो जगह है, यहाँ 2 दिन पहले मूसलाधार बारिश की वजह से यहाँ एक गवर्नमेंट की बनाई हुई बिल्डिंग, यहाँ किचन था जहाँ बच्चों को खाना बनता था, ये किचन पूरी तरह से आप देखते हैं, देख पा रहे होंगे, क्षतिग्रस्त हो गया है, और यहाँ पूरी स्लाइडिंग आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ से जब ये स्लाइडिंग चली तो यहाँ से एक पर्सन जिसका नाम श्यामलाल था वो क्रॉस कर रहे थे, और ये स्लाइडिंग जो है वो गिरते गिरते जाके उनके ऊपर जा गिरी, और उनकी वहाँ मौत हो गई। ये उस दिन का यहाँ एक ये बहुत दुखदायी घटना 2 दिन पहले यहाँ घटी थी। ये जो बिल्डिंग थी, ये बिल्डिंग आप देख पा रहे हैं, ये बिल्डिंग यहाँ पूरी तरह से, यहाँ एक पूरा कमरा बना हुआ था, यहाँ खाना बनता था बच्चों के लिए, वो पूरा यहाँ से निकल के तहस नहस हो के यहाँ से, आप देख पा रहे हो कितना ज़्यादा यहाँ जो है वो स्लाइड हुआ है, और स्लाइड की वजह से ये यहाँ पर बहुत सारा नुकसान जो है वो सरकारी इमारतों को हुआ है। और ये साथ में एक और यहाँ आप देख पा रहे हैं, यहाँ बच्चों को एजुकेशन दी जाती है, ये भी जो है ये काफ़ी यहाँ अभी खतरा बना हुआ है, उसी के वजह से यहाँ जो यहाँ के हेडमास्टर साहब हैं, टीचर हैं, उन्होंने जो डिसाइड किया कि यहाँ से बच्चों को शिफ्ट करके यहाँ जो पुरानी बिल्डिंग है वहाँ पे उनको वहाँ पे ही जो उनका सिलेबस है वहाँ उनको कंप्लीट करवाया जाए। लेकिन हम एजुकेशन डिपार्टमेंट, डीसी साहब कठुआ और अपने एलजी मनोज सिन्हा जी से ये रिक्वेस्ट करेंगे कि यहाँ जो ये नुकसान हुआ है
इसका मौका किया जाए, दौरा किया जाए, क्योंकि अगर इसको जल्दी से जल्दी अगर इसको कवर नहीं किया गया तो यहाँ कभी भी ये नुकसान हो सकता है। जहाँ जो बिल्डिंगें बनी हैं इनको नुकसान हो सकता है, और यहाँ क्योंकि ये बैठने के काबिल नहीं है, यहाँ बच्चे नहीं हैं, टीचर नहीं है, इनको खाली करा लिया गया है, क्योंकि यहाँ बहुत सारा जो खतरा है वो बना हुआ है, क्योंकि बारिशें जो है वो मूसलाधार बारिशें, तेज़ बारिशें चल रही हैं। आज थोड़ा जो मौसम है वो ठीक है, मौसम की वजह से जो यहाँ पे जो थोड़ा स्लाइडिंग था वो रुका हुआ है, लेकिन फिर से हम आपको कहेंगे कि दो दिन पहले जो हमने आपको अभी वीडियो में बताया, यहाँ मूसलाधार बारिश की वजह से गवर्नमेंट मिडिल स्कूल बुलरी की एक किचन को नुकसान पहुँचा है और वो क्षतिग्रस्त हो गया है, जिसमें एक पर्सन की मौत भी हुई है, जो यहाँ के स्थानीय पर्सन थे जिनका नाम श्यामलाल था, वो इस मलबे में आके दब गए थे। अब हम आपको थोड़ा और दिखाएंगे। अभी हम मिडिल स्कूल की जो बिल्डिंग है उसके बैक साइड है, यहाँ पे ये देखिए ब्रस्ट वॉल दिया गया है, और यहाँ जब हम खड़े हैं यहाँ भी ये स्कूल जो है, यहाँ भी एक तो स्कूल का कमरा है, और आप देख पा रहे हैं इसको कितना खतरा बना हुआ है। यहाँ से पानी जब निकलता है तो जो बिल्डिंग है, जो नई बिल्डिंग बनाई गई है, उसको बहुत खतरा है। और यहाँ देखिए ये ब्रेस्ट वॉल दी गई है, ब्रेस्ट वॉल के ऊपर यहाँ एक वाटर टैंक दिख रहा है, जो वाटर टैंक है वो भी वाटर टैंक इस समय आप चेक कर पा रहे होंगे, देखिए इसको किस तरह से खतरे के ऊपर है बिल्कुल। ये यानी यहाँ से जो ब्रेस्ट वॉल दी गई है, यहाँ से एक रास्ता गुजरता है, यहाँ पब्लिक चलती है, ये पब्लिक का रास्ता है, और यहाँ मवेशी, माल मवेशी, पब्लिक स्कूल के बच्चे इसी रास्ते से गुजरते हैं। ये बिल्डिंग जो है, ये एक और बिल्डिंग आगे बन रही है, आप देख पा रहे हैं, लेकिन जब यहाँ से ये जो लोग गुजर रहे हैं, जब लोग गुजरते हैं तो यहाँ पर ये जो पानी का टैंक बना हुआ है, यहाँ बिल्कुल जो है वो 24 घंटे खतरा बना हुआ है, क्योंकि कभी भी ये पानी का टैंक जो है यहाँ से खिसक कर नीचे आ सकता है, और जब ये खिसक के नीचे आ गया जब, तो यहाँ पर अगर कोई पर्सन, कोई स्कूल का बच्चा या कोई माल मवेशी जहाँ से अगर गुजर रहा हो तो उसको नुकसान हो सकता है। तो हम यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, यहाँ ये जो वाटर टैंक जहाँ ये बनाया गया है, हम उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जा तो इसको कंप्लीट कर लिया जाए, कंप्लीट करके इसको अच्छे से तैयार किया जाए, बनाया जाए, जा तो इसको गिराया जाए, ताकि यहाँ पर कोई जानी माली नुकसान ना हो। तो हम यही कहेंगे कि ये जो गवर्नमेंट मिडिल स्कूल बुलरी है, ये इस समय बिल्कुल खतरे के निशान के ऊपर है, क्योंकि जहाँ स्लाइडिंग जो है बहुत तेज़ हुई है, आप देख पा रहे होंगे, हम थोड़ा कैमरा पर्सन से बताएंगे, नीचे की हालात जो है, यहाँ भी देखिए दरारें गई हुई हैं, आप देख पा रहे हैं, ये जो थोड़ा कैमरा पर्सन से कहूँगा कि यहाँ बिल्कुल जो हालत है स्कूल की, वो एक खतरा यहाँ और डर की हालत बनी हुई है, और उसकी वजह से यहाँ से बच्चों को जो है वो शिफ्ट करके जो पुरानी बिल्डिंग जहाँ प्राइमरी स्कूल की बिल्डिंग हुआ करती थी, उसके बाद यहाँ गवर्नमेंट मिडिल स्कूल बुलरी हुआ, तो जो प्राइमरी स्कूल की पुरानी बिल्डिंग थी यानी वहाँ सारे बच्चों को शिफ्ट किया गया, क्योंकि यहाँ खतरा था कि कभी भी यहाँ स्लाइडिंग की वजह से कोई हादसा ना। ये वो जगह है यहाँ स्लाइडिंग हुई थी, हम बताना चाहेंगे अपने कैमरा पर्सन को ये दिखाएं थोड़ा, क्योंकि ये वो रास्ता था, यहाँ से बच्चे जो थे वो नीचे स्कूल से ऊपर स्कूल के लिए यहाँ शिफ्ट किए गए हैं, और यहाँ किचन था, वो किचन की देखिए किस तरह से हालत हुई है यहाँ, क्योंकि पूरा तहस नहस ये जो है ये हो चुका है, और यहाँ से जो रास्ता है वो भी बिल्कुल जो है इस समय यहाँ उनके लिए, पूरा बच्चों के लिए खतरा बना हुआ है। ये हम आपको दिखाएंगे, यहाँ बच्चे जो शिफ्ट किए गए हैं, ये आप देख पा रहे होंगे, ये पुरानी बिल्डिंग है यहाँ, और इन बिल्डिंगों के बीच में जो यहाँ के बच्चे हैं वो सारे शिफ्ट करके इनको यहाँ जो है वो एजुकेशन दी जा रही है। हम शुक्रगुजार हैं हेडमास्टर साहब का और अपने टीचरों का कि उन्होंने ये फैसला लिया, क्योंकि यहाँ कभी भी दुर्घटना जो है वो घट सकती है, और उसकी वजह से यहाँ जो है वो नुकसान हो सकता है। तो हम ये कहेंगे, थोड़ा हम दिखाएंगे, जो वहाँ का सामान वगैरह था वहाँ से भी उसको शिफ्ट कर लिया गया है, और सारा जो है वो शिफ्ट करके महफूज जगह पर पहुँचा दिया गया है। तो यहाँ हम यही मांग करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन बनी और डीसी साहब कठुआ से कि यहाँ जो भी हालात बने हुए हैं इसका जायज़ा लिया जाए, और ताकि यहाँ बच्चे
स्कूल और ये जो गांव है, जो मल्ला है, ये सुरक्षित रह सके। तो हमने आपको पूरी कवरेज जो है यहाँ बताई, और दो तीन यहाँ चीज़ें थी वो भी है मैंने आपको बताने की कोशिश करी कि जिसमें कि यहाँ थोड़ा सा क्रॉसिंग है और बच्चों को यहाँ जो वाटर टैंक बना हुआ है वो इसी रास्ते आता है और वो वाटर टैंक बिल्कुल ऊपर है, यहाँ से बच्चे जो वो गुजरते हैं और वो वाटर टैंक कभी भी जो है नीचे आ सकता है। तो हम यही मैं अपने वीडियो के माध्यम से कहना चाहूँगा कि यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, जहाँ तो उस टैंक को गिरा दिया जाए, तो जहाँ तो जो वो टैंक बना हुआ है उसको वहाँ ब्रस्टवल दे के उसको जो है वो ठीक तरीके से तैयार किया जाए ताकि वहाँ कोई दुर्घटना घटने से बच सके। आप बने रहें JKUT7 के साथ।